नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय से ये वीडियो आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पांच ऐसे मिड कैप बैंक्स के बारे में जो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, यानी कि कम समय के अंदर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी राय है कि वो इसमें, जो भी ब्रोकरेज फर्म्स भी इसमें बाइंग की रेटिंग दे रही हैं, तो पांच ऐसे बैंक जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं। हो सकता है इन पांचों बैंक में से कोई एक बैंक या दो बैंक या पूरे पांच बैंक आपके पोर्टफोलियो में शामिल हों, तब भी आपको ये वीडियो फायदा करेगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपका स्टॉक का मूवमेंट क्या होने वाला है। तो पहला, जो समय ना गवाते हुए मैं पहला बैंक आपको ले रहा हूँ, तो पहला बैंक जो हमने लिया है अपनी लिस्ट में, उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। जैसा आप नाम से जानते हैं, बैंकिंग की कंपनी है, और जो भी बैंक के काम होते हैं, जो भी बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, वही ये कर्नाटका बैंक लिमिटेड प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी जिस तरह की बैंकिंग सेक्टर में आती हैं, सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना ज़रूरी है कि जैसा आप लोग सब समझते भी होंगे कि कुछ बैंक सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, और हमेशा बाजार के अंदर इसको लेकर के आपके दिमाग में, मतलब आप लोग भी इसमें बहस या आप सोचते रहते होंगे कि हम PSU सेक्टर के बैंक की तरफ मूवमेंट करें या फिर प्राइवेट बैंक की तरफ। लेकिन आज मैं आपको ये बैंकिंग इंडेक्स के इन दोनों तरह के बैंकों को हटकर देखा जाए, ऐसा मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये बैंक प्राइवेट बैंक ज़रूर हैं, लेकिन ये बैंक तीसरी तरह के बैंक हैं। अगर मैं इनको हाइब्रिड बैंक बोलूँ तो शायद ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी शेयर बाज़ार में लोग बात नहीं इस चीज़ की कर रहे हैं, बेसिकली ये प्राइवेट बैंक नहीं, ये हाइब्रिड बैंक्स हैं, और उन्हीं के स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इन बैंकों के पास जो स्पेशल चीज़ है वो है इनकी हाइब्रिड ऑनरशिप स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मैं इनको हाइब्रिड बैंक बोलता हूं। जो आज अगर आधे प्राइवेट सेक्टर के रूप में अगर खड़े हैं, तो ये अपने एक मजबूत हाइब्रिड प्लान और हाइब्रिड ऑनरशिप स्ट्रक्चर के कारण ही हैं, इसीलिए इसको मैं हाइब्रिड बैंक बोल रहा हूं। तो आपको जो मैंने पहला स्टॉक बताया है, स्टॉक का नाम है कर्नाटका बैंक का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीब 8125 करोड़ के आसपास का है, और इस शेयर को बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दी है। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और ये शेयर इन्वेस्टर्स को करीब 64% से ज़्यादा का रिटर्न्स बनाकर देने की क्षमता रखता है। इसी ईयर के अंदर आप देखेंगे कि एक या दो क्वार्टर के अंदर आपको ये करीब 64 से 65% की उछाल इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दूसरा बैंक जो मैंने लिया है, दूसरा बैंक आप नोट कर सकते हैं, साउथ इंडियन बैंक। इस बैंक पे पहले भी वीडियो बन चुकी है, हालांकि काफ़ी दिनों से ये जो स्टॉक है इसका, जो साउथ इंडियन बैंक का, वो एक ही प्राइस के आसपास मूवमेंट में बना हुआ है। हालांकि अभी इस बैंक ने कुछ डिविडेंड की भी ऑफर इस बैंक ने किया है। साउथ इंडियन बैंक का जो मार्केट कैप की मैं बात करूँगा, तो वो भी करीब 6535 करोड़ रुपए का है, और इस शेयर को भी बहुत ज़्यादा जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है, और साथ ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को करीब करीब 55% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, तो इस मुनाफे को आप भी कमा सकते हैं। तीसरा बैंक जो इसी सेगमेंट का है, वो मैंने लिया है DCB बैंक। DCB बैंक का मार्केट कैप 3786 करोड़ रुपए का है, और इस स्टॉक में भी बाइंग की रेटिंग देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक भी अपने इन्वेस्टर्स को कम समय के अंदर, अगर आप देखें 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर के अंदर, ये स्टॉक आपको 50% से ज़्यादा का मुनाफा बनाकर दे सकता है। साथ ही नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक लिया है वो है CSB बैंक। CSB बैंक का मार्केट कैप साइज 5532 करोड़ का है, और इसमें भी बाइंग की रेटिंग बनती है, और बाइंग जो रेटिंग है उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का ये भी साथ में मानना है कि इसमें आपको 48 से 50% के मुनाफे बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और लास्ट पांचवा जो बैंक मैंने आपके लिए लिया है, उस बैंक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपये का है, और इस शेयर को स्टॉक जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग की एडवाइस दी है, और साथ ही इस शेयर को अगर आप देखेंगे रिटर्न्स के मामले में, तो करीब करीब इसमें भी आप 50 से 60% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं आने वाले कुछ समय के अंदर। आप इस तरीके से इन पांच बैंक से
कम से कम भी 65-70% तक के भी प्रॉफिट्स बना सकते हैं कम समय के अंदर। ये पांच बैंक आपको देंगे 65% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी वीडियो मेरी आने वाली है तो वो भी आप देखिएगा। अभी मैं दोबारा से कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने मेल्स भी किए हैं कि आप किसी भी स्टॉक के बारे में जो पूरा साल का प्रेडिक्शन करते थे वो दोबारा से आप उस तरह की वीडियो बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेडिक्शन वाली भी मिलने वाली है, जो कि पूरे एक साल के लिए मैं उसमें प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। किसी भी तरह के लॉसेस से आप गुजर रहे हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, और भी किसी स्टॉक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सभी को नमस्कार, बाय बाय।